हाय वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है युद्ध तक में, जहां हम बात करते हैं युद्ध तक की। आज हम बात करेंगे यहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में। बहुत सारे मतलब विवाद हो रहे हैं कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक इज बेटर और नॉट, तो आप क्या बोलना चाहेंगे अभिषेक जी कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक सही है एडमिशन लेना कि नहीं प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में? अगर आपके पास पैसा अंधाधुन है और आप ज़्यादा खर्च करना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक करना है तो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो। हालांकि मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो करिए आप गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लीजिए और उसमें बहुत सारी वैकेंसीज है, ITCS, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, आप उसमें वैकेंसी लेकर तैयारी कर सकते हैं और बहुत बढ़िया रहेगा। आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप उसके लिए PPT एग्जाम दीजिए। नियर अबाउट 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से अगर 100 का नहीं 120 का होता है, उसमें से आप नियर अबाउट 50-60 नंबर भी ले आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। उसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं कॉलेज में, सॉरी वैकेंसी नहीं पोस्ट नहीं, एडमिशन के लिए आप सीट्स हैं तो आप ले सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसा भी होता है दोस्तों कि मैं आपको बता रहा हूँ जो 10th या 12th पास करे हुए हैं, ऐसा भी होता है पॉलिटेक्निक कॉलेज में कि यार आपके PPT के एग्ज़ाम में आए हैं मार्क्स 25 या 30। जी हाँ दोस्तों, अगर 25 या 30 आए हैं तो आपको आप उसमें CS और IT भी ले सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप, मतलब CS और IT इतनी नीचे हो गई है। अभी कुछ सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ मैं, अभी नाम लेना नहीं चाहूँगा उनका, बट वहाँ पे IT में सीटें खाली हो जाती हैं, ठीक है। और अगर हम MNC कंपनी की बात करें IT सेक्टर की, तो वहाँ पर IT वालों की ज़रूरत होती है। तो पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पे लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे IT फील्ड में या कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। बाकी अगर इसमें मेहनत करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या होता है कि आजकल पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज की सीट्स बहुत सारी खाली रहती हैं, आप ले सकते हो। और ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए अगर आपके कोटा होता है तो, आपकी फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं लगती, फ़ीस नियर अबाउट 10,000 फीस है शायद इसकी एक साल की, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, ज़्यादा फीस नहीं है और सस्ता कॉलेज है, मतलब सरकारी कॉलेज ज़्यादा फीस नहीं लगती है। ज़्यादा फ़ायदा तो आपका अगर अपन डिफरेंस लें एक अच्छा खासा प्राइवेट और गवर्नमेंट का, तो अगर हम बात करें अभिषेक भाई प्राइवेट के और मैं गवर्नमेंट का हूँ, तो यहाँ पर बात करता हूँ कि मुझे जो अपनी फ़ीस देनी पड़ेगी अपने कोर्स की, वो मुझे मिनिमम देनी पड़ेगी। अगर मैंने किया था, मैंने 5,000 रुपीज़ किया था साल का, ठीक है। अगर आपने प्राइवेट से किया तो आपको कितना देना पड़ता है? नियर अबाउट 40,000 रुपये देना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज में 40-50,000 लगता है पॉलिटेक्निक करने का, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है किसी स्टूडेंट को। और अगर रही बात ड्रेस की, गवर्नमेंट में तो ड्रेस होती है, प्राइवेट में होती है क्या? नहीं, ड्रेस कोड नहीं है, कॉलेज ड्रेस कोड है, उसका भी अलग से चार्ज लेते हैं, बस का चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, फलाना चार्ज, ढिमकाने का एग्जाम चार्ज। नहीं, गवर्नमेंट की बात करें तो आपकी जो फीस में ही बस इंक्लूड रहती है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर स्कॉलरशिप की, तो आप प्राइवेट में स्कॉलरशिप मिलती है क्या आपको? स्कॉलरशिप मिलती है और बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा धांधला होता है। स्कॉलरशिप बेसिस पर आप एडमिशन मत लीजिए, अगर आप फीस दे के लीजिए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। और स्कॉलरशिप जो आती है वो आप अपनी स्कॉलरशिप ले सकते हो, अगर आपने फीस दे दी है 10,000 रुपये और आप चाह रहे हो स्कॉलरशिप जो मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो अगर हम बात हर साल सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे स्कॉलरशिप फॉर्म भराते हैं, तो आप वो भर के आप स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हो। और एक दो कमेंट आए थे मेरे पास कि पॉलिटेक्निक में ही जैसे कि अपना मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है 2 साल का शायद से, हाँ है ना, तो उसमें स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती? क्योंकि बिल्कुल उसमें मिलती है। नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है दोस्तों, अगर आप मास कम्युनिकेशन में आप करना चाहते हो डिप्लोमा या 2 साल का कोर्स, तो आप कर सकते हो। एक अप्लाइड वीडियोग्राफी का भी कोर्स था जिसमें आप फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी सब सीख सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया, बहुत ब्रॉड करियर है, आप उसको कर सकते हो। अगर आपका मन करता है कि आप फिल्म शूट करके कोई फिल्म डायरेक्ट करें, प्रोड्यूस करें, तो आप उसमें करियर अपना बना सकते हो, उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा है। आखिरी सॉल्यूशन यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने अच्छा कॉलेज देख लिया प्राइवेट का, ठीक है, पहली बात तो ये, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज अच्छा देखा और वहाँ का कैंपस एरिया देखा है और साथ में अगर आपको पैसे लग रहे हैं और साथ में ही आपको ये बोल रहे हैं कि आपने ये कोर्स कर लिया और आपका कैंपस हो जाएगा, तो उनसे लिखवा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत फर्जी होता है कि पहले तो एडमिशन ले लेते हैं बोल के, उसके बाद कुछ नहीं होता आपका और आपकी ज़िंदगी झंड। क्योंकि ऐसा और देखा गया है कि मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसमें कैंपस तो आता ही है, लास्ट ईयर में आप रहोगे तो आपको बहुत सारी वोकेशनल कोर्सेज भी कराए जाते हैं और 100% रहता है कोई ना कोई कैंपस आता ही है कॉलेज में, कम से कम 2 से 3 कैंपस आते हैं, वो भी अच्छी अच्छी कंपनीज के, तो आप उसमें बैठ सकते हो और अपना एग्जाम क्लियर करने के बाद आप उस कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। और फाइनल सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा दोस्तों, अगर आप कोई किसी भी कोर्स में ले रहे हैं तो सबसे पहले अपने पैशन को चुनिए। आपका पैशन या किस में है, किसी चीज़ में, जैसे आर्ट में है या ड्राॅइंग में है या पेंटिंग में है या घर के काम में है, आपने पैशन को पहचानिए आप किस में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसके हिसाब से करिए चुनिए। अब एग्जांपल बताता हूँ आपको, अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है या फिर मीडिया के लाइन में जाना है तो आप मास कम्युनिकेशन का कोर्स सकते हैं, ठीक है, साथ में ही वीडियोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं, है ना, अगर आप कैमरा से या फोटोज में जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट है ना, केमिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और साथ में ही अगर आप कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके सामने आ जाती है 2 फील्ड है, कंप्यूटर साइंस की और
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। आप दोनों ही फील्ड में जाकर अच्छा खासा अपना पैशन को ही एज अ करियर चुन सकते हैं। ये लास्ट सजेशन फॉर आपके लिए, ओनली फॉर यू, क्योंकि आप लोग भटक जाते हैं कि 12वीं के बाद क्या करें, क्योंकि आप फोकस नहीं करते कि आपका पैशन क्या है। अपने पैशन को पहचानने के लिए आप अपने आप से पूछिए कि आप रेगुलर डेली बेसिस पे क्या काम करते हैं, किसमें आपको इंटरेस्ट है। मेन चीज ये, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, तभी आप कोर्स करिएगा, नहीं तो पता लगे कि आपका 3 साल या 2 साल ऐसे ही बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा और आपका करियर खत्म। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, आपको मिलूंगा नए वीडियो नए कंसेप्ट के साथ। कुछ कमेंट और सुझाव तो जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।